त्योहार पर असर हालांकि दिख रहा है। ज्वेलर्स की बिक्री पर भारी असर पड़ा है। चांदी महंगी होने की वजह से 30% से अधिक बिक्री पर असर पड़ा है। पिछले साल की तुलना में चांदी की खरीदारी कम हो रही है और नोएडा में भी बिक्री पर असर पड़ा है। दो तीन साल से जो कोरोना की जो पाबंदियां थी कि भी कस्टमर घर से ना निकले, इस तरीके से निकले मास्क लगा के, इस बार उससे कम से कम छुटकारा मिला। ये बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना से हमें छुटकारा मिला, लेकिन ग्राहक बहुत कम है जिसकी वजह से काम में इतनी वो है नहीं जैसा पहले था। अब से 4-5 साल जो पहले ग्राहकी थी उस तरह का ग्राहक इस समय मार्केट में नहीं आ रहा। 13 से लिहाजा बाजारों में काफी रौनक है। इस वक्त हम इंदिरा मार्केट में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी बाजार खचाखच भरी हुई है। दिवाली से पहले जो धनतेरस का त्यौहार होता है वो बहुत अहम होता है। आप देखिए कि जितनी भी दुकानें हैं सजी हुई है, ज्वेलर्स हैं, स्टील की बर्तनों की दुकानें हैं, जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं वो बिक रही हैं, क्योंकि आज जो पूजा होती है वो लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा होती है। धनतेरस का जो त्यौहार है वो बहुत अहम माना जाता है, जो पर्व है वो बहुत अहम माना जाता है। दिवाली से पहले ये पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन, धनतेरस के दिन, जो भगवान धन्वंतरी हैं उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और कहा जाता है कि जो आज पूजा होती है वो लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की जो पूजा होती है उससे समृद्धि घर में आती है और आपका आपकी जो धन है उसमें 13 गुना इजाफा हो जाता है, यानी 13 गुना जो है बढ़ोतरी हो जाती है। लिहाजा दिवाली से पहले धनतेरस का एक अहम मुकाम है और एक अहम पूजा कही जाती है। फिलहाल चारों तरफ सड़क जो नोएडा की बाजारें हैं वो सजी हुई हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं। बजट ज़रूर गड़बड़ाया हुआ है, चांदी के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, स्टील के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। खास तौर पे यही सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, क्योंकि हमने ज्वेलर से भी बात करी, उनका कहना था कि यहाँ 3 लॉकडाउन लगा रहा है और अब जो है कहीं ना कहीं पब्लिक पूरी तरीके से निकल रही है, लेकिन चूंकि त्यौहार है जो 20 ग्राम लेता था वो 10 ग्राम लेकर काम चला रहा है, त्यौहार अपना मना रहा है। फिलहाल पूरे देशवासियों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत समाचार टीवी की तरफ से कैमरा प्रसारित के साथ दानिश, भारत समाचार नोएडा। तो उधर